विद्या से उप मुख्यमंत्री भी हैं, तिहारी से भी मंत्री हैं। जो ऊंचाई होनी चाहिए, महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है मोतिहारी, यहाँ पर विकास होना चाहिए, वो तो अभी देखने में नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हवाई जहाज उतरने लगे तो फायदा तो हम ही लोगों को है। आपसे अगर कह दे हम भी जमीन खोद दीजिए और एयरपोर्ट बना दीजिए, तब थोड़े बना दीजिएगा। प्रयास करेंगे कि बन जाए, नहीं बने तो हम अपने फंड से बनवा देंगे। विद्वानों का जगह है, ये गुंडों बदमाशों का जगह नहीं है। लेकिन गुंडे बदमाश भी प्रयास करते हैं और किसी न किसी रूप से चले जाते हैं। यहाँ के वार्ड चाहे मुखिया बता दें कि ये आदमी हमारे वार्ड में, हमारे पंचायत में सबसे गरीब है, इसको इलाज की जरूरत है, हम कार्ड तुरंत बनवा। अध्यक्ष भी यहाँ से गए हैं, लेकिन चंपारण को उस तरह का विकास नहीं मिल पाया है आज तक। क्या वो विकास आप दे पाएंगे क्या? हम प्रयास करेंगे। आप सही कह रहे हैं कि यहाँ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो सत्ता में हिस्सेदारी है जिनकी, और बेतिया से उप मुख्यमंत्री भी हैं, और यहाँ से तिहारी से भी मंत्री हैं। जो ऊंचाई होनी चाहिए, महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है मोतिहारी, और नेपाल का बॉर्डर भी है, तो जो यहाँ पर विकास होना चाहिए वो तो अभी देखने में नहीं मिल रहा है। हम लोग प्रयास करेंगे। क्या एयरपोर्ट का मुद्दा आप उठाइएगा? वैसे तो केंद्र सरकार का है, लेकिन क्या आप मांग कर सकते हैं? नहीं, विधानसभा से भी आपको एक हर शुक्र को अपनी इच्छा से प्रश्न रखने का अवसर मिलता है, एक अवसर मिलता है हम लोगों को। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हवाई जहाज उतरने लगे तो फायदा तो हम ही लोगों को है। तो इसको ये अंतर्राष्ट्रीय जगह है, तो फिर उसमें हमको दिक्कत क्या है कि नहीं उठाएंगे? हम चाहेंगे भी जितना जल्द हो उतना जल्द यहाँ पर रक्सौल में हो जाए। रक्सौल अब हरसिद्धि बटा हुआ थोड़े है, रक्सौल से तो हमारा गहरा संबंध है, और चाहेंगे कि यहाँ पर जितना जल्द हो उतना बने, इसके लिए आवाज़ उठेगी। और दिल्ली सरकार में भी अगर बात करनी पड़ेगी तो वहाँ भी हम लोग आ जाके आवाज़ उठाएंगे। ऐसा थोड़े है कि चंपारण से जीते हैं और पटना विधान परिषद के सदस्य है तो हम दिल्ली में मंत्री से बात नहीं कर सकते। निश्चित रूप से आवाज़ उठेगी, यहाँ हाउस में भी आवाज़ उठेगी, मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, और इसके जो मंत्री हैं दिल्ली में उनसे भी बात करेंगे जितना हो सके। लेकिन वही है, ये करे कोई या नाम पर चला जाए किसी का, लेकिन हम करेंगे, हमको नाम की जरूरत नहीं। हवाई जहाज जितना जल्दी उतरे रक्सौल, हमको बड़ी प्रसन्नता होगी। दो ब्लॉक पर एक विधायक है, 12 विधानसभा है और 27 ब्लॉक है, तो आवाज़ तो उठा सकते हैं, वो सरकार में है। हम तो निर्दल हैं, तो निर्दल चले थे, बाद में सर्वदलीय हो गए, ये चीज़ अलग है। और कौन कौन मदद किया, कांग्रेस से लेकर जदयू तक बहुत लोग मदद किया हम लोगों का, तो आवाज़ उठाने के लिए आवाज़ हम लोग तो निश्चित उठा देंगे। तो आपसे अगर कह दे हम भी जमीन खोद दीजिए और एयरपोर्ट बना दीजिए, तब थोड़े बना दीजिएगा। आपका प्रश्न उठाना काम है, और समस्या को याद दिला दिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा बात हो गया, दो क्वेश्चन हमको मिल गया। तो आप आवाज़ जो समाज में घूमते हैं, जो कमी देखते हैं, ये आवाज़ उठाना आपका काम है, और समस्या का निदान कराना हम लोगों का काम है। और इस पर कोई तल्खी से बोल दे, हम उसको जायज़ नहीं मानते, गलत बात। रक्सौल अनुमंडल में एक ही कॉलेज है, एक ही गवर्नमेंटल कॉलेज है, और उसका भी बिल्डिंग ध्वस्त है, इसको इसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मंत्री से भी बात होगी, मुख्यमंत्री से भी बात होगी। आवाज़ उठाना मेरा काम, काम करना सरकार, काम करना है सरकार। हम प्रेरित करेंगे, एक दिन आके देखेंगे, हम भुवन जी वगैरह सब लोग हैं, एक दिन आएंगे, दयाल जी हैं, सब लोग हम लोग जाकर देखेंगे। और ध्वस्त होगा उस दिन, जैसे गए थे आदापुर और देखे कि आज़ादी के टाइम का वह हाई स्कूल है और नीचे से छत दिखाई दे रहा है। हम जाके कलेक्टर साहब को दिया भी और लिख के दिया भी, और उसी समय विभाग कब तक आपकी उम्मीद से कब तक ये बंद करेगा? देखिए कब तक बनेगा ये तो मेरे हाथ में नहीं है, आवाज़ उठाना 8 दिन के अंदर में आवाज़ उठाना, लिख के मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचाएंगे, कॉल DM को दे दें। हमारा लड़ाकू स्वभाव है, हम लड़ने में विश्वास रखते हैं। जैसे लोग कहा कि टिकट नहीं मिला तो छोड़ दीजिए, बहुत लोग हर कहा कि बैठ जाइए, हमने कहा कि निश्चय किया है
तब की लड़के हम लोग फरिया लेंगे। आपका भी सर फंडिंग 3 करोड़ है, विधायक का फंडिंग भी 3 करोड़ है और क्षेत्र जो है 27 प्रखंड का है। 10 लाख रुपया भी तो मैंने ठीक से खर्चा नहीं किया, कहाँ खर्चा कीजिएगा? 10 लाख रुपया भी एक ब्लॉक में मेरा नहीं हटेगा। लेकिन हमारी बात है, ऐसा थोड़े है विधायक ही मिलता है इसलिए चाहे एमएलसी बना दिए कि पलंग पर खूब एसी में लगा के सोए। आप विभाग को लिखिए तो विधानसभा में ध्यानाकर्षण है, प्रश्न उठता है, निवेदन डाला जाता है, आपको याचिका में डालना पड़ता है, उसके पीछे पढ़ना पड़ता है, सेक्रेटरी के यहाँ जाना पड़ता है और इसके पीछे जब लग जाइएगा तो अब सिर्फ फंड की जरूरत नहीं रहती है। सरकार का बहुत ऐसा फंड है जिससे रक्सौल या पूरे चंपारण का विकास कराया जा सकता है। राधामोहन बाबू के पास कितना फंड है? 5 करोड़ फंड और 6 विधानसभा है, तो मान लीजिए 80 जिला फंड। लेकिन आपके पास तो 12 विधानसभा है ना? हमारे पास 12 विधानसभा है और 3 करोड़ है, तो सरकार से लेना हमारा काम है। हम अपने वार्ड सदस्य मुखिया या आम जन को हम यही कहना चाहेंगे, जब भी आवश्यकता लगे हर हेल्थ कार्ड के पीछे मेरा टेलीफोन नंबर छपा हुआ है। तो हेल्थ कार्ड केवल जनप्रतिनिधियों के लिए है कि आम जनता के लिए भी है? जो गरीब है ये तो जनप्रतिनिधि को दिया गया, लेकिन जनप्रतिनिधि अगर बता दे कि ये गांव के गरीब है और जनप्रतिनिधियों को हमने यह कह दिया है कि आप या आपके परिजन या अपने वार्ड में चाहते हैं किसी गरीब का इलाज कराना तो इस कार्ड पर संभव है। चाहे यहाँ के वार्ड चाहे मुखिया बता दें कि ये आदमी हमारे वार्ड में हमारे पंचायत में सबसे गरीब है, इसको इलाज की ज़रूरत है, हम कार्ड तुरंत बनवाएं।